मैक्सिमम लोग सारे डेड हो चुके हैं और कुल पाँच छह लोग ही बचे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां डामटा से 2 किलोमीटर आगे रिखाओं खड्ड के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। इस बस में करीब 30 लोग सवार थे, जिनमें से 26 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बस मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से तीर्थयात्रियों को लेकर यमुनोत्री जा रही थी और इसी दौरान उत्तरकाशी में ये भीषण सड़क हादसा हो गया। सभी 28 तीर्थयात्री पन्ना जिले के बताए जा रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF फायर सर्विस टीम घटना स्थल के लिए रवाना हो गई और राहत बचाव कार्य में जुट गई। वहीं आसपास के लोग भी बचाव कार्य के लिए आगे आए और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और ये 400-500 खाई में आप देख रहे हैं। देखिए क्या मित्रों, कैमरा लगाइए, देखिए 500 मीटर गहरी खाई में जो हमारी तीर्थ यात्री थे उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मैक्सिमम लोग सारे डेड हो चुके हैं और कुल पांच छह लोग ही बचे हैं। और मेरी शासन प्रशासन से यही निवेदन है और सब लोग, हम लोकल लोग भी सारे जनप्रतिनिधि और आप सभी लोकल लोग, ड्राइवर लोग या जितने यात्री हैं, सब घटनास्थल पे आ गए हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको बचाए जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुरंत मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि SDRF की टीम को तत्काल भेजा जाए मौके पर। वहीं इस भीषण हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सक्रिय हो गए। सूचना मिलते ही CM धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। CM ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और उत्तरकाशी जिला अधिकारियों को घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए सभी मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके साथ ही CM धामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 1 लाख और सभी घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में सवार लोग मध्य प्रदेश के थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में काफी सक्रिय नजर आए और उन्होंने CM धामी के साथ मिलकर दुर्घटना स्थल पहुंचकर खुद हालातों का जायजा लिया और साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। इसके पहले CM शिवराज सिंह चौहान लगातार CM धामी के संपर्क में रहे और स्थितियों की जानकारी लेते रहे। साथ ही देहरादून पहुंचकर उन्होंने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और बचाव कार्य की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा मध्य प्रदेश के CM ने जानकारी देते हुए बताया कि शवों का रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया गया था और सोमवार दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि इस हादसे पर PM मोदी ने भी दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं इस भयानक हादसे के बाद ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, जो देखते ही देखते 26 जिंदगियां खत्म हो गई। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने से नियंत्रण बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जहां हादसा हुआ वहां सड़क काफी चौड़ी है, बस तेज रफ्तार से चल रही थी और सामने से आ रहे वाहन को पास देते समय रफ्तार तेज होने की वजह से बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बताते चलें कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद राशि का ऐलान किया है। इसके साथ ही PM मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी। धीरज रखो, जो बेहतर हो सकता है करने का प्रयास करेंगे, बाकी हाथ से।